पैसा के बारे में तुम्हारे मिस्टर कैलकुलेटर सबसे खतरी, जिसको जिसके नाम पे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द हरे सर, थैंक यू सर। हमारे राष्ट्रपति अवार्ड विनर श्रीमान वीरेंद्र कुमार शिमला से है। आज हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन में फ्यूचर में क्या होना चाहिए, एनईपी के हिसाब से क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी बुद्धिमान लोगों से मिल के हमें भी बहुत खुशी हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके बारे में मैंने सुना। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति के साथ साथ बैठा हूँ जिससे मैं बहुत कुछ सीखूंगा, बहुत कुछ एक्सप्लोर करूंगा, कि क्योंकि वो खुद 5 स्टेट्स के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, बेहतर बनाने का तरीका हमारे साथ शेयर करते हैं, तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। मैं आपके साथ अभी डिस्कशन। माय प्लेजर सर। तो आज की जैसे हम बात कर रहे थे सर, एनईपी पर हम बात कर रहे हैं, दरअसल मुझे एक चीज़ पे एक बड़ी विडंबना है हमारी, कि हमारा एग्जीक्यूशन लेवल बहुत वीक है। हम प्लानिंग बड़ी अच्छे से करते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है और हम प्लानिंग में ही खुश हो जाते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन तक आते आते हमारा जो जोश है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, मनुस्मृति में कहा गया है कि एक तालाब में 3 मगरमच्छ रहते थे और वो 3 तरह की मति के थे। एक अनागत विधाता था, अनागत विधाता मतलब जिसको आने वाली समस्या का पता है, पता चल जाता है और वो समस्या के आने से पहले उस स्थान से पलायन करता है। एक होता है प्रत्युत्पन्न मति मतलब वो भांप लेगा कि अभी समस्या आई, तुरंत उसने समाधान निकाला और खुद को सेफ कर लिया। एक होता है दीर्घसूत्री, एक तीसरा जो था वो मगरमच्छ, वो दीर्घसूत्री था। दीर्घसूत्री मतलब समस्या आई, आके तबाह करके चली गई, उसके बाद वो सोच रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं कि जो अनागत विधाता था वो समस्या को पहले भांप के, वो पहले ही निकल गया था वो उस तालाब को छोड़ के, और उसका मतलब अपना सर्वाइवल उसने किया किसी दूसरी जगह जाके। तो जो प्रत्युत्पन्न मति था वो जैसे कैसे जब वो कीचड़ हो गया, उसमें पानी कम हो गया, कीचड़ रह गया, तब वो निकल लिया जैसे। और जो दीर्घसूत्री था वो इंतज़ार करता रहा कि अभी बारिश होगी, फिर वो पॉन्ड भरेगा तो मैं बाहर निकलूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो सूख गया गर्मी से, उसी में चिपक के वो मर गया। तो आई मीन टू से अगर हमें कोई काम करना है ना, जैसे हम कैलीग्राफी की बात कर रहे थे, कैलीग्राफी आज की डेट में पूरे देश की समस्या है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ को और एंडोर्स करना चाह रहा हूँ, जैसे आप कैलकुलेशन की बात करते हैं, आपके नाम 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं सर वो ऑलरेडी एक हिडन हमारे देश के स्कूलों की एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चा मैथ्स के नाम पे, मतलब मैथ्स का दूसरा नाम डर है, मैथ्स का दूसरा नाम मुश्किल सब्जेक्ट है। एक सर्वे ऐसा भी आया था कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनका ड्रॉप आउट का वन ऑफ द रीजन मैथमेटिक्स भी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जब आप इसको इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो क्यों ना इस तरह के जो हमारे पास आइडियाज़ हैं और जो लोग थिंक टैंक हैं हमारे देश के, वो मिलकर कुछ ऐसा करें कि इससे निजात मिले। अब हैंडराइटिंग की अगर मैं बात करूं, जो मेरी अपनी फील्ड है, तो सर जब मुझे हिमाचल के अंदर पता चला कि हमारा बच्चा जानता बहुत कुछ है लेकिन वो जो एग्जामिनेशन में परफॉर्म करता है ड्यू टू बैड हैंडराइटिंग, वो 10 से 12% मार्क्स तो उसके कम होते ही होते हैं, और जिसका बहुत ख़राब है वो पास भी नहीं हो पाता। तो मैं तो परीक्षा पर चर्चा के लिए भी मोदी जी का जो प्रोग्राम है उसमें भी यही बात कही है कि बच्चे की हैंडराइटिंग में की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है कि 4th ऑनवर्ड्स उसको वो किया जाना चाहिए। तो ये है अक्षय जी, मतलब ये मैं अपने फील्ड वाली बात कह रहा हूँ। इसीलिए ना हमने दिल्ली गोरा इंटरनेशनल स्कूल में वीरेंद्र जी को शिमला से बुलाया है, ये समस्या आने से पहले या तो है जो समस्या उसका समाधान हमारे पास होना चाहिए। हाँ, मतलब वो अनागत विधाता है ना फिर, बिली मोरा इंटरनेशनल स्कूल, मतलब समस्या ऐसी हो सकती है, वो चीज़ भांप के आपने इसको पहले ही निजात के इंतजाम आपने कर लिया और मेरे ख्याल से आप सेफ जोन में ही रहेंगे। तो काफ़ी समय से ना ढूंढ रहे थे ऐसा कोई व्यक्ति
कि जो कि उसने बहुत बारीकी से डेप्थ में जाके इसने रिसर्च किया हो, लेकिन अभी तक हमें कोई मिला नहीं था। हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ मुलाकात हो गई और आपके पास जो नॉलेज है उसका हमारे स्कूल के बच्चों को फायदा मिले। और सर ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि सबसे पहले जो हिमाचल के अंदर या फिर उत्तराखंड के अंदर आपने ये किया कि आपने नोटबुक्स एक्सचेंज की हिमाचल के अंदर, बच्चों को बोला कि अभी पढ़ो, तो बच्चे आपस में अब एक दूसरे की नोटबुक नहीं पढ़ पाए। तो मैं ये बोलता हूँ कि यदि बच्चा एक दूसरे की नोटबुक नहीं पढ़ पाता है या फिर खुद के हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाता है, तो जो बच्चे का एग्जामिनर है वो उसकी कैसे पढ़ पाएगा, सप्लीमेंट्री या फिर आंसर शीट कैसे पढ़ पाएगा। तो यदि क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स और क्लैरिटी ऑफ हैंडराइटिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या देश की और बच्चों की हल हो जाएगी। यस ये सर, और इसके साथ ही हम अक्षय भाई से ये भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से ये सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं उस ऑरा में रहा हूँ, उस एटमॉस्फेयर में रहा हूँ जहाँ पर मैथ्स को बहुत मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, और कहीं ना कहीं इसके लिए मैं तो ये बोलता हूँ कि मैथ्स का टीचर खुद भी तो रिस्पॉन्सिबल है। सर क्यों ना हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की वो लाइव एग्जांपल ही देख लें अक्षय सर से। हाँ बिल्कुल, कैलकुलेटर है हमारे पास, हमें आपको बेस प्रॉब्लम में जाना जी मैथ्स के अंदर, बाकी सब प्रॉब्लम सब्जेक्ट के अंदर के, बाकी सब सब्जेक्ट के अंदर क्या है, बच्चा याद कर लेगा, क्वेश्चन सेम आएंगे, आंसर सेम दिख देगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैथ इज अ सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, यदि मैं कुछ सीखा और वो रूटीन लाइफ के अंदर मुझे अप्लाई करना है तो मेरा रट्टा मारा हुआ फॉर्मूला काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे रट्टा मारने की शुरुआत कहाँ से होती है मैथ के अंदर, स्पेशली टेबल से। 4 1 4, 4 2 8, 4 10 40, बच्चे को लगता है टेबल सीख लिया, उसके पापा को लगता है टेबल सीख लिया, मम्मी को लगता है टेबल सीख लिया। बच्चा टेबल्स नहीं सीखता है सर, टेबल्स के सिर्फ सॉन्ग सीखता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम सॉन्ग सिखाने से याद रहता है, मैं भी मानता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को जब 8 7 जा पूछ लो तो पूरा 8 1 से 8 6 तक बोलेगा, बाद में 8 7 जा बोलेगा, उसके बाद रट्टा मारते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ रट्टा मारने से होती है, जो टेबल से स्टार्ट होता है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सर मैं 4th स्टैंडर्ड के अंदर 5 का टेबल नहीं बोल पाता। जब मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात लोग सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि ये बच्चा बचपन से ही गॉड गिफ्टेड है, उसकी ये टैलेंट गॉड ने गिफ्ट में दिया। लेकिन मेरा मैथ बहुत वीक था सर, मैं आज 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा टेबल्स बोल सकता हूँ, 20 बोल जाए। लेट मी सर, ये कैलकुलेटर की कैपेसिटी 12 डिजिट के है। एक काम करो, ये 10 डिजिट नंबर लिख लो सर, तुम्हें मना, आपने आपको 10 डिजिट नंबर रैंडम लिखना है, लाइन टू लाइन मत लिखना, कोई भी सब रैंडम होने चाहिए सभी डिजिट्स। अभी ये नंबर जो आपने मुझे नंबर दिया है, टेक्निकली देखा जाए तो आपने कौन सा नंबर दिया मुझे, 258,64,32,483। कोई भी टेक्स्ट बुक के अंदर ये टेबल आएगा ही नहीं, आएगा नहीं सर, खाली हम पकड़ेगा। मैंने देखा है नंबर, एक इधर बोला कि ना को नंबर, एक काम करे 258,64,32,483। ओके सर, टेबल्स मीन्स 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करें, बीच में से टेबल सिंगल डिजिट, कोई भी सिंगल डिजिट आप 8 से कर लीजिए, 8 से अभी मत करना। ओके ओके, आप देख लो मल्टीप्लाई बाय 1 करके, मैं आंसर बोलता हूँ सर, 8 करो, आपका आंसर आ जाए तो मैं बोलना मैं अपना आंसर स्टार्ट करूँगा। हाँ जी, 206 9,145,98,88,64,64,64,9,864 परफेक्ट।
बिल्कुल परफेक्ट है सर। ठीक है, इफ यू विल गिव मी क्वेश्चन टिल 30 डिजिट्स, ये तो 10 हो गया, 30 डिजिट्स का भी क्वेश्चन होगा तो भी मैं यही स्पीड से करूँ। ओके, अगर हम इसको छोटी डिजिट से करें पहले, वैसे ही मान लो हम आपको 4 डिजिट मल्टीप्लाई आंसर है सर 13704। एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कैलकुलेटर आपको क्वेश्चन के ऊपर से आंसर बता सकता, आंसर के ऊपर से क्वेश्चन कैलकुलेटर नहीं बता सकता, राइट? आई कैन डू, आपने 4, 5, 6, 8 × 3 किया होगा, राइट? इवन आप यदि 6, 8, 5, 2 × 2 करोगे, या फिर 2, 2, 8, 4 × 6 करोगे, या फिर 3, 4, 2, 6 × 4 करोगे, सभी के आंसर आपको यही मिलेंगे। अरे कमाल है सर, मतलब मीन्स कैलकुलेटर आपको क्वेश्चन का आंसर देगा, आंसर के ऊपर से क्वेश्चन कैलकुलेटर के अंदर सर पॉसिबल नहीं। चलो ये तो एक ट्राई हुई, आप नंबर चेंज कर दीजिए सर, आप 6 डिजिट नंबर लिखिए, कोई भी 6 डिजिट, बोलना मत क्या लिखा। और मैं आपको बता दूं कि मैं सर से पहली बार मिला, तो ऐसा कोई स्क्रिप्टेड लगे या फिर ऐसा कुछ नहीं, नहीं 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 है, राइट? तो आप मुझे आंसर बताइए सर। अच्छा, 6 डिजिट को मल्टीप्लाइड विद 1 डिजिट। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट। ओके, आपको देना है आंसर, मुझे आंसर बताइए। 2729968। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, आपकी पहली पॉसिबिलिटी होगी 6824 92 × 4 किया होगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है 3412 46 × 8, ये दोनों में से कुछ किया सर, पहले बार ही है ना वो किया है, 6824 92 × 4 आपको ये आंसर है। सो रिवर्स इज नॉट पॉसिबल इवन इन कैलकुलेटर, आपको भी चेक करना पड़ा आंसर ला, राइट? नाउ सर, आई हैव क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ रिवर्स परसेंटेज, फॉर एग्जांपल लिखना मत सर कुछ भी, आप 4 डिजिट नंबर बोलिए कोई भी, 4624 सर, आप 13,600 के 34% फाइंड करोगे तो आपको 4624 मिलेगा। यस, चेक कर, 13,600 34% अरे वाह, ऐसा नहीं कि 34 के पीछे का कोई लॉजिक है, आप दूसरा नंबर बोलिए सर, कोई भी बोलिए, चार अंकों का नंबर 7568 ये कहाँ पे काम आएगा वो भी बता देता हूँ, ये बच्चों को नंबर के एनालिसिस के अंदर बहुत काम आता है। हाँ। बच्चों एक ये कैसे नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मैथ्स के एक से ज़्यादा नंबर्स के कॉन्सेप्ट को मर्ज किया है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सालों की प्रैक्टिस, बच्चा डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखता है, यस, बच्चे को हमने टेबल सिखाया, बच्चे को हमने डिविजन सिखाया, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट क्यों नहीं होते हैं, नंबर को देख के ये तीन कॉन्सेप्ट एक साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो कोई भी बच्चा बहुत आसानी से ये सारे कॉन्सेप्ट करेगा। डिवीजन और परसेंटेज सर लिंक्ड है दूसरे के साथ, यदि मैं आपको कहूँ कि किसी को मैं डिवाइड 4 से कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली मैं 25% ही तो फाइंड कर रहा हूँ, मैं किसी को डिवाइड बाई 8 कर रहा हूँ तो मैं इनडायरेक्टली 12.5% ही वही नंबर का फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है कि जब मैं डिवाइड बाई 8 सिखा रहा हूँ तो मैं इनडायरेक्टली बच्चों को बता दूंगी बेटा 12.5% ही है, exactly. तो बच्चा डिवीजन और परसेंटेज को लिंक करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये कब होता है, जब बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होता है तब उसको शॉर्टकट्स दिए जाते हैं, लेकिन यदि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स के अंदर उसके सिलेबस के अंदर यदि हम ये सिखाते वक्त ही ये करवा दें तो बच्चे को इनिशियली हम प्रिपेयर करते हैं। सर हमने
इंटरनेशनल स्कूल के एडवाइजर है और हमने 2 सालों से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। और ये गुजरात का पहला स्कूल है कि जहाँ पे अक्षय जी खुद लेक्चर लेने आते हैं। वेरी गुड सर, नाइस सपोर्ट। मतलब आप बेस्ट काम क्या कर रहे हैं कि जो जो रिक्वायरमेंट फ्यूचर में हो सकती ना वो आप अभी ही जनरेट कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा जब यही बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड होंगे? चलो बहुत बड़ा वर्ग आज गुजरात के अंदर ऐसा है जो इनिशियली स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहा है, उसको जॉब नहीं करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो बच्चा यदि नंबर्स के अंदर स्मार्ट है तो इनिशियली कंपेरेटिवली दूसरों बच्चों से वो डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत स्मार्ट बन पाएगा बिकॉज न्यूमेरिकल स्किल डिसीजन मेकिंग स्किल को एनहांस करती है। दैट इज वॉट वी आर डूइंग हियर। अरे उसको बिजनेसमैन बनना है, जॉब करनी है, अच्छी कॉलेज में जाना है, मैथ्स उसका पीछा नहीं छोड़ेगा सर, नंबर्स उसका पीछा एटलीस्ट नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास मतलब कोई स्पेशल टेक्निक्स रहती हैं कि किस तरह से इसमें बच्चे को पारंगत किया जाता है? वी हैव स्पेशल टेक्निक्स, वी हैव डिजाइन स्पेशल करिकुलम स्टैंडर्ड वाइज करिकुलम बनाया, स्टैंडर्ड वाइज उसकी लर्निंग बुक्स बनाई, बुक्स भी अवेलेबल है आपके ट्रेनर, मोबाइल एप्लीकेशंस भी तैयार की जहाँ पे मेरे वीडियो से बच्चे सीखते हैं, मेरे वीडियोस के बाद वो प्रैक्टिस बुक के अंदर करते हैं और उसके बाद उसकी एग्जाम देते हैं और वो लेवल क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल के अंदर आते हैं। क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो अक्षय जी हम भी ट्राई करना चाहेंगे, आई टॉक टू माई सुपीरियर्स, अगर आपकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ी तो हम आपको कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि सर ये दिस इज़ द मतलब नीड ऑफ द आवर है, प्रेजेंटली हमारी ये ज़रूरत है सबकी। मैंने जैसे आपको पहले कहा ना कि मैथ्स का एक हवा है, यहाँ के कितना होगा आई डोंट नो, हिमाचल में मैथ्स तो हवा है, और अगर ऐसी कैलकुलेशंस बच्चे को किसी टेक्निक के माध्यम से या किसी स्पेशल वर्कशॉप से या किसी स्पेशल बुक के माध्यम से हो सकती है। सर व्हाट वी आर डूइंग, मैं आपको छोटी सी झलक दूँ कैसे पढ़ाते, वी क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब 5 डिजिट का ऐसा नंबर लिखो, मुझे मत बताना क्या लिखा, मुझे नहीं दिखना चाहिए, पता नहीं, ठीक है, तो मेरे लिए तो एक पासवर्ड है जो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे 5 डिजिट लिख दूँ, उसका मल्टीप्लिकेशन आप कर दो सर 783 के साथ, मल्टीप्लिकेशन 783। मैं सिर्फ ये मैजिक नहीं है, आपको लॉजिक समझाऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप आंसर देख लो सर, 8 डिजिट का आंसर मिला सर आपको, यस, बीच में से कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट करो, बोलना मत। ओके, आपने क्या सिलेक्ट किया मुझे बताया सर? 4 बताना नहीं था, पूरा क्वेश्चन लिख कर। ओके, अच्छा बताना नहीं है, वो आपको सिर्फ याद रखना। ओके ओके ओके, फिर से 5 डिजिट लिखो, अभी ये नंबर भी 5 डिजिट, उसका मल्टीप्लिकेशन आप कर दो 972 के साथ, 972 आंसर 8 डिजिट का मिला सर आपको, चेक करो, ये लीजिए आंसर में से कोई भी एक डिजिट बीच में से या फिर इधर उधर से सिलेक्ट कर लो, बोलना मत कि क्या। ओके ओके, वो मैं बताने वाला हूँ कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया। 8 डिजिट में से 7 तो आपने मुझे बता दिया, एक सिलेक्ट किया तो बाकी के 7 बचे, हाँ जी मुझे बता दो, शुरू से कहीं से भी शुरू इधर उधर करके भी बता दो, 5 5 2 5, एक मैंने बता दिया है ना एक डिजिट, वो नहीं बता, वो नहीं बता, यहाँ पे 396 सर, आपने 1 बाकी रखा, यस, ये तो कमाल ही है अक्षय जी। चलो ये सर हमारे 4th और 4th स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं। अच्छा कैसे करते बताओ, अक्षय जी के साथ रहके ये तो वही सीख गया ये एक्चुअली सर 9 का टेबल और कुछ नहीं, हम 9 का टेबल 9 1s से लेकर के 9 10s 90 तक खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है, 9 1s 9 2s, हां 18 3s, हां जी 4s 5s 6s 7s 8s 9s, वैसे देखा तो 9 सर स्पिरिचुअल नंबर है, हां वो टोटल करके 9 ही होगा, 9 1s 9 9 1 + 8 9 2 + 7 9 3 + 6 9 4 + 5 9 5 + 4 9, हां 9 ही आएगा, 9 स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत सारे लॉजिक है, भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी, भगवान कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण, जन्माष्टमी एंड होते ही नॉम स्टार्ट होते ही भगवान कृष्ण का जन्मदिन, हाँ जी हाँ जी, हमारे भगवान स्वामीनारायण, हाँ जी, जन्मदिन रामनवमी, 27 नक्षत्र 7 + 2 9, जो माला है
उसके बीट्स 108 वन प्लस एट नाइन देर आर वेरियस लॉजिक. अभी मैथ्स पे आता हूँ. नाइन का टेबल सर हमें ये सिखाता है कि नाइन का मल्टीप्लीकेशन में किसी भी नंबर के साथ करूँ आंसर का टोटल नाइन ही आएगा. ओके वन प्लस एट नाइन थ्री प्लस नाइन आपको देख लो. हाँ वो नाइन ही है राइट. तो ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है. मैंने आपको फाइव डिजिट लिखने को कहा मल्टीप्लाइड किया 972 के साथ. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली टोटल 9 है सर. 9 प्लस 7 प्लस 2 18 18 पे 1 प्लस 8 9 मुझे जो आंसर मिलेगा उसका टोटल 9 ही आना चाहिए. अच्छा मैंने क्या किया सर ये सबका टोटल कर दिया जब तक सिंगल डिजिट मिले तब तक. अच्छा 5 प्लस 5 10 प्लस 2 15 प्लस 5 17 प्लस 3 20 प्लस 9 29 प्लस 6 35 35 में 3 प्लस 5 8 सबका टोटल कितना आया 8 प्लस मैं 9 माइनस 1 8 9 माइनस 8 कर दिया कितना आया हुआ तो आपने बात अरे मुझे करना सिर्फ एक ही काम था. आपने जो ए सेवन डिजिट्स बोले उसका टोटल करना था सिंगल डिजिट तक और 9 में से सबट्रैक्ट करना. ओके तो सर स्टूडेंट को इतना तो आता ही है. आता ही है. तो मुझे तो ये सिर्फ कनेक्शन ही तो बिल्ड करना है वो हम करते. और ऐसा सिर्फ 9 का नहीं है सर 5 का भी है. 4 2 8 4 6 2 मल्टीप्लाइड विद 5 बच्चा ये देख के डर जाएगा कि ये मेंटली तो होगा ही नहीं. 5 4 20 20 4 का हाफ करिए सर 2 बाजू में 0 लिखिए. 5 6 30 6 का हाफ कीजिए बाजू में 0 लिखिए 30. तो मुझे इसका हाफ करना है बस. 4 का हाफ 2 का हाफ 8 का हाफ 4 का हाफ 6 का हाफ 2 का हाफ बाजू में 0 आंसर. अगर किसी भी नंबर का 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है सर उसका हाफ करके बाजू में 0 लिखो. यदि इवन है तो ऑड है तो अलग टेक्निक है. ओके 1 माइनस करके हाफ करना है बस. मतलब इस तरह की टेक्निक्स आप ही रहती है जिससे बच्चा पारंगत हो जाता है. किसी भी टेबल में किसी भी टेबल में कोई ना कोई ऐसा हमने रहस्य फाइंड किया. और इतना ही नहीं हम किसी भी टेबल के साथ उसकी लाइफ वैल्यू सिखाते हैं. 9 से क्या सीखा हमने 9 मोस्ट फेवरेट नंबर है. क्यों? क्योंकि 9 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर के साथ करें आंसर का टोटल 9 ही आता है. मीन्स यदि मैं मोस्ट फेवरेट बन गया आप मेरे साथ जुड़ोगे या फिर कोई भी मेरे साथ जुड़ेगा. यदि वो मोस्ट फेवरेट नहीं भी है मेरे साथ जुड़ने से आंसर मोस्ट फेवरेट ही मिलेगा. उसके बाद सिखाते हैं कि मोस्ट फेवरेट किसे कहते हैं. जो बच्चा माँ बाप की आज्ञा में रहता है शिक्षक की रिस्पेक्ट करता है अच्छी किताबें पढ़ता है मोबाइल का सदुपयोग करता है तो वो मोस्ट फेवरेट. यदि 9 जैसा बनना है तो ये सारी हैबिट्स चाहिए. अरे तो सीखा ही रहे हैं संस्कार भी डाल रहे हैं. हाँ वैल्यूज भी आप इंकल्केट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है. इसका नाम हमने अंक विद्या रखा है. क्यों? क्योंकि अंक मीन्स मैथ विद्या मीन्स जीवन विद्या. गणित के साथ जीवन विद्या सिखाते हैं इसीलिए इसका नाम अंक विद्या रखा है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अक्षय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. गुजरात के कितने स्कूलों के साथ आप जुड़े हुए हो? 350 प्लस स्कूल्स के साथ. ओके वहाँ पे इनका ये अंक विद्या का प्रोजेक्ट चल रहा है. बहुत अच्छा है 350 चला रही नंबर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अक्षय जी आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए. और आप हमारे साथ गुजरात में काम कीजिए सर. बिल्कुल मैंने सर के साथ डिस्कस किया हम क्या कर सकते हैं. आप अकेले बहुत सारे लोगों तक पहुँचना थोड़ा टफ होगा. हाँ टफ होगा. तो आप क्या कर सकते हैं सर आप एक लर्निंग किट बनाइए जिसके अंदर बुक हो सकती है. मैंने सर को फ्लैश कार्ड दिया मैं बताता हूँ हमारी अंक विद्या की किट क्या है. फ्लैश कार्ड्स एक बोर्ड गेम ऐसा कुछ 4-5 चीज़ों का एक लर्निंग किट बनाइए. ओके दूसरी किट बनाइए ये पढ़ाना कैसे है. जैसे कि आप हैंड राइटिंग की बात करें तो हैंड राइटिंग को मैंने अभी देखा आपने फेज वाइज डिवाइड किया है. एक लेवल दो लेवल तीन लेवल ऐसे फेज वाइज आपने कुछ डिवाइड किया. देयर आर वेरियस लेवल की कैलीग्राफी जैसे रोलर कोस्टर कुछ लिखा था तो वो सारी चीज़ें मैंने दी. उसको आपने 10 या 15 या 20 दिन कितने दिन में वो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो कितने दिन में और रोज कितने घंटे उसको देने पड़े तो उसकी हैंड राइटिंग ये लेवल पर जा सकती है. उस हिसाब से आपने जो बुक बनाई सर ने मुझे कुछ कंटेंट दिखाया जैसे कि आपने पहला जो पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी है. उसके बाद बच्चों को स्कोप दीजिए बुक के अंदर ही कुछ ब्लैंक छोड़ जगह छोड़ दीजिए 10 या 12 लाइन या 15 लाइन जिसके अंदर वो प्रैक्टिस करें. उसके बाद दूसरा टॉपिक उसकी प्रैक्टिस करें. इस तरीके से 100-125 पेजों की यदि बुक बनती है उसे हम कहेंगे हैंड बुक. उसके बाद आपके वीडियो शूट हो सकते हैं
कि पहला पेज हमें इस तरीके से सीखना है, दूसरा पेज इस तरीके से सीखना है, इसके आपके वीडियोस रिकॉर्ड कर दीजिए, दोनों को बंडल कीजिए और वो लोगों तक पहुँचाए। ओके, ये अच्छा, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक है ना पहुँचेगा, पहुँच सके और ये समस्या कुल मिला के ये समस्या बच्चों की खत्म हो जाए। जैसे आपसे जीने ना मैथ्स में डेप्थ तक रिसर्च किया ना, वैसे आपने कैलीग्राफी भी। मैंने सर को अभी बताया, हम जो नया साल के अंदर 2024 के अंदर अप्रैल से हम अंक विद्या का स्टैंडर्ड वाइज कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अंक रामानुज फर्स्ट स्टैंडर्ड्स, वी आर स्टार्टिंग अंक विद्या फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू नाइन्थ स्टैंडर्ड। ओके, हमने तीन चीज़ों का कवर किया अंक रामानुज के अंदर। पहली, कोई भी बच्चा मैथ्स की कोई भी कंसेप्ट को जीवन विद्या के साथ सीखेगा, पहला। दूसरा एस्पेक्ट, उसकी कैलकुलेशन स्पीड को हमें बढ़ाना है। और तीसरा, सभी कंसेप्ट को एक्सरसाइज ऐसी रखनी है बुक के अंदर कि वो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर हो। यस, ऐसे कुछ टारगेट रखने पड़ेंगे। तो उसके यदि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के लेवल से वो क्वेश्चन सीखता है तो बाय डिफॉल्ट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो तीन एस्पेक्ट हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से कवर किए कि ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं जहाँ पे क्वेश्चन के आंसर बच्चे तभी देंगे जब इसके दो या तीन कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्लियर हो और एक साथ अप्लाई हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दो या तीन कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज करके अप्लाई करने होते हैं। जैसे कि पैरामीटर के अंदर उन्होंने सिंपल इक्वेशन डाल दिया, लीनियर इक्वेशन डाल के उसको पैरामीटर के साथ जोड़ दिया, तो इस तरह के इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को ऐसे क्वेश्चन ही टफ लगते हैं। यदि आपने बचपन से प्रिपेयर कर दिया तो वो बच्चा 9th 10th क्रॉस करते करते अच्छा लेवल अचीव करता है। तो आपकी लर्निंग की यदि ऐसी हो सकती है सर, तो वी कैन रीच टू मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियन ऑफ पीपल। तो हम इसके लिए करते हैं सर प्लान आउट। प्लान आउट क्या, हम ये बनाना शुरू कर लें कुछ प्लान मेरे पास सर नहीं आ रहा है। आप सूरत यदि आओगे, बहुत अच्छा एजुकेशनल स्टूडियो बनाया सर, आपके वीडियो सभी वहाँ पे रिकॉर्ड हो सकते हैं। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा होती है ना, हम सब साथ मिलके आप दोनों के पास जो स्कीम, पहले तो हम सोचते हैं कि ये किट कैसे बनेगी, लोगों तक पहुँचे ना, उस तरह के प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके लिए 350 स्कूल, सबसे एक मिस्टेक हुई, मैं करेक्ट कर, मैं 350 स्कूल्स के साथ ऐसे जुड़ा हुआ, मेरे रिलेशन है। मैंने 2.5 साल 3 साल से मेरी कंपनी स्टार्ट की, मेरा प्रोजेक्ट वैसे 10 ईयर से मैं मैथ्स के अंदर ही, 52 स्कूल्स अभी हमारे पास हैं जिसके पास हमारा अंक विद्या रेगुलरली हम एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी रिलेशंस देखे जाओ तो 350 स्कूल्स के ट्रस्टीज के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। अंक विद्या 2 साल के अंदर हम 52+ स्कूल्स के अंदर पहुंचे हैं सर। ऐसा बहुत बढ़िया। इवन गवर्नमेंट के अंदर भी हमने 114 स्कूलों के अंदर काम किया इन आवर पास्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट हम लेकर के आए। गुड, ये बढ़िया है सर। हम भी इस बारे में सोच सकते हैं, आपको करना इम्प्लीमेंट ऐसे आपके नीचे स्टेट वाइज एक हेड बना दे, एक स्टेट से स्टार्ट चालू करें, एक नंबर रखो कि भाई ये स्टेट के अंदर मेरा इतने नंबर अचीव हो जाते हैं, उसके बाद मैं दूसरा स्टेट एक्सप्लोर करूंगा, एक साथ 2 या 3 स्टेट्स के अंदर काम करूँगा। तो आप बाय डिफॉल्ट आप एज अ टीचर के साथ साथ पैरेलली ये बारे में सोच सकते हो, एक अच्छी चीज़ लेकर के आया हो जो बहुत बच्चों की प्रॉब्लम्स हो और उसके सामने आपको अर्निंग इस तरीके की मिल सकती, इसके बारे में आप सोचना। बहुत अच्छा काम है सर, हम भी ये करते हैं और इसको कलेक्टिवली कुछ करते हैं।